नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार में 15 लाख नए एंटीजन किट की हुई खरीदारी। बिहार में कोविड-19 के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए 15 लाख नए एंटीजन किट की खरीदारी की गई है। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग अधिक से अधिक लोगों की कोरोना जांच सुनिश्चित कराने में जुटा हुआ है और यही कारण है कि 15 लाख नए एंटीजन किट की खरीदारी की जा चुकी है। वहीं खरीदारी के बाद उसे जिले में उपलब्ध कराने की मुहिम शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही ट्रूनेट से जांच करने को लेकर 30,000 किट मंगवाए गए हैं। विभागीय सूत्रों ने बताया है कि एंटीजन किट के अतिरिक्त जिला अस्पतालों में ट्रूनेट से कोरोना जांच करवाई जा रही है। राज्य में प्रतिदिन लगभग 1 लाख से ज्यादा सैंपल की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बड़े स्तर पर एंटीजन किट से ही कोरोना का राज्य में अब तक 25 लाख से ज्यादा सैंपल की जांच की जा चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती से जारी है पूछताछ। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मुख्य संदिग्ध मानी जा रही रिया चक्रवर्ती से आज सीबीआई की दफ्तर में पूछताछ हो रही है। सीबीआई ने जांच तेज कर दी है और आज 8वां दिन है। 8वें दिन रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए सुबह बुलाया गया है। मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में जांच टीम रिया से पूछताछ कर रही है। वहीं एनसीपी की तरफ से भी सुशांत सिंह राजपूत की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद एजेंसी ने भी अब आने वाले दिनों में 20 लोगों से पूछताछ करने की तैयारी कर ली है। जांच से जुड़े एनसीपी के वरिष्ठ सूत्रों के अनुसार एजेंसी ने ड्रग सप्लाई मामले में 20 संदिग्ध लोगों की सूची तैयार की है, जिसमें गौरव आर्य, वेद लोहिया एंटरटेनमेंट पार्टनर, इसके साथ ही जया साहा पूर्व बिग बॉस प्रतियोगी, एजाज खान, फारूक बटाटा और बकुल चंदानी सहित कई लोगों के नाम शामिल है। बिहार बोर्ड ने इंटर परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख 4 सितंबर तक बढ़ाई। बिहार बोर्ड ने इंटर परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख में बढ़ोतरी की है। इसके तहत बिहार बोर्ड ने 4 सितंबर तक सभी छात्रों के फॉर्म भरने का मौका दिया है। इसके पहले बिहार बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन की तारीख 28 अगस्त रखी थी, लेकिन बीते दिन से इसे फिर से बढ़ाने का फैसला सुनाया गया है। इसके साथ ही बिहार बोर्ड में इंटर की रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने की तारीख को भी बढ़ाते हुए उसे 4 सितंबर तक कर दिया गया है, जबकि मैट्रिक की परीक्षा फॉर्म को भरने की तारीख आगे बढ़ाते हुए 3 सितंबर तक कर दिया गया है। बिहार बोर्ड के आदेश के बाद अब तक जिन छात्रों ने इंटर परीक्षा के लिए फॉर्म नहीं भरा था, अपना आवेदन अब समय से पहले भर सकते हैं। गौर करने की बात यह है कि कोविड-19 के माहौल के चलते छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन का बिहार बोर्ड ने एक और मौका दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्टार्टअप के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने की कही बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास मिशन की बैठक के दौरान स्टार्टअप के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का निर्देश जारी किया है। बिहार विकास मिशन के निकाय के 7वीं बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिशन की देखरेख में विभिन्न विभागों में चल रहे कामों का जायजा भी लिया है। इसी क्रम में उन्होंने कई दिशा निर्देश भी दिए हैं, जिसके तहत उन्होंने इस बात पर ज्यादा जोर दिया है कि युवाओं को स्टार्टअप के लिए प्रेरित किया जाए, इसके माध्यम से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया करवाया जा सके, बिहार स्टार्टअप नीति के तहत लाभ मिल सके। कौशल मुहिम की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इसके तहत अधिक से अधिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं उन्होंने हर घर नल का जल योजना की समीक्षा के क्रम में कहा कि जिन वार्डों की प्रगति धीमी है उसका विश्लेषण कराया जाएगा, जहां पर कम काम हुआ है उसका जल्द ही समाधान निकाला जाएगा। पटना में कुछ शर्तों के साथ खुले कई सिंगल ब्रांड के मॉल। राजधानी पटना में कई सिंगल ब्रांडों की तरफ से सरकार को दिए गए अल्टीमेटम के बाद कई ब्रांड मालिकों के हित में फैसला सुनाया गया है, जिसके तहत राजधानी पटना में कुछ शर्तों के साथ कई ब्रांड मॉल को खोलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि राजधानी पटना में संचालित सिंगल ब्रांड के मॉल को खोलने की अनुमति डीएम कुमार रवि ने दी है। मॉल संचालकों ने जिला प्रशासन को पिछले 10 दिनों में आवेदन देकर खोलने की अनुमति मांगी थी। हालांकि मॉल खोलने के लिए कुछ दिशा निर्देश का पालन करना अनिवार्य किया गया है, जिसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर जैसी बातों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। जबकि अभी भी पटना में कई बड़े मॉल को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है, जिसमें पटना सेंट्रल, पीएनएम मॉल जैसे मॉल का नाम शामिल है। बिहार में 13 डीएसपी का फिर से हुआ तबादला। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में तबादलों का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को देर रात 13 डीएसपी का तबादला किया गया है। इससे पहले विभाग की तरफ से 8 आईपीएस अधिकारी समेत 97 डीएसपी, 295 दरोगा रैंक के पुलिस जवान और 16 आईपीएस अधिकारी का तबादला किया जा चुका है। वहीं गुरुवार को हुए तबादले में कुंदन कुमार, पंकज कुमार, सत्येंद्र कुमार सिंह, प्रवेंद्र कुमार, सत्येंद्र कुमार सिंह, अतुल दत्ता, वसी अहमद, सूर्यदेव कुमार, कुमार संजय वैजनाथ, आलोक कुमार, सुनील कुमार, अमरेंद्र कुमार समेत कई आईपीएस अधिकारियों का नाम शामिल है। तेज प्रताप यादव को कमरा देने पर होटल मालिक की बड़ी परेशानी। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव कुछ दिनों पहले ही अपने पिता से मिलने रांची पहुंचे थे। इस दौरान तेज प्रताप रांची के चुटिया थाना क्षेत्र के स्थित होटल कैपिटल रेसिडेंसी में रुके हुए थे। हालांकि होटल में तेज प्रताप का कमरा नंबर 507 दिया गया था, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम ने होटल की छानबीन की तो देखा कि कमरा नंबर 507 में तेज प्रताप यादव रुके हुए हैं, जिसके बाद होटल के मालिक और मैनेजर के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कोविड-19 के माहौल को लेकर सरकार ने सख्त आदेश देते हुए सभी होटल को फिलहाल बंद रखने का आदेश दिया है, लेकिन इसके बावजूद होटल वालों ने तेज प्रताप यादव को लेकर बुकिंग की।
जिसके बाद तेज प्रताप यादव को कमरा भी दिया गया। इसको लेकर पुलिस मामला दर्ज कर चुकी है। नए डेयरी प्लांट के उद्घाटन के बाद बिहार में इस ब्रांड की अब मात्र 5 रुपए में मिलेगी आइसक्रीम। बिहार में सुधा नाम की इंडस्ट्री ने कई नए प्रोडक्ट्स को जारी किया है। नए प्रोडक्ट्स में इलायची फ्लेवर्ड का ट्रेटा पैक, 200 मिलीलीटर दूध और आइसक्रीम शामिल है। दूध की कीमत जहां 20 रुपए है, वहीं आइसक्रीम 5 रुपए में मिल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समस्तीपुर में नए डेयरी प्लांट के उद्घाटन किए जाने के बाद बिहार में कंप्यूटर के अंतर्गत डेयरी प्रसंस्करण की क्षमता 28.55 लीटर से बढ़ाकर 33.55 लीटर प्रतिदिन हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके अलावा कई अन्य जिलों में भी डेयरी संयंत्रों को सुदृढ़ कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, जिसमें भोजपुर, रोहतास, बेगूसराय, खगड़िया, गया, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, जमुई, बांका का नाम शामिल है। चुनाव की तैयारी को लेकर AIMIM ने की बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए AIMIM ने बैठक की है, जिसके तहत असुद्दीन ओवैसी की पार्टी अब चुनावी मोड में पूरी तरीके से नजर आ रही है। इसी सिलसिले में सासाराम में पार्टी कार्यकर्ताओं ने समीक्षा बैठक की है, जिसमें चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा किया गया है। इस बैठक के दौरान पार्टी के शाहबाद क्षेत्र के चुनाव प्रभारी अब्दुल पठान ने कहा है कि पार्टी जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने वाली है। कुछ दिनों पहले हुए विधानसभा उपचुनाव में पार्टी का खाता खुल चुका है। उस चुनाव को लेकर के पार्टी के किशनगंज की एक सीट पर जीत दर्ज की गई थी। इसमें कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव में पार्टी बेहतर परफॉर्म कर रही है। वहीं इस दौरान बैठक में उन्होंने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई की तारीख बढ़ी आगे। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई आज होने वाली थी, मगर इस सुनवाई को टाल दिया गया है, जिसके बाद अब यह सुनवाई 11 सितंबर को रांची हाईकोर्ट में होने की उम्मीद जताई जा रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव ने जमानत के लिए यह याचिका दायर की थी। सुनवाई को लेकर न्यायाधीश अफरेज कुमार सिंह की अदालत में याचिका की सूचीबद्ध किया गया था। चाईबासा कोषागर में गलत तरीके से निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव ने दायर याचिका में कहा है कि वो सलाखों के पीछे रहने की आधी अवधि पूरी कर चुके हैं, ऐसे में जमानत दे दिया जाए। हालांकि एक मामले में उनको जमानत पहले ही मिल चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में संदिग्ध रूप से उभर के आए संदीप सिंह ने स्पॉट बॉय के तौर पर रखा था इंडस्ट्री में कदम। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में लगातार सुर्खियों में चल रहे संदीप सिंह ने अपने करियर की शुरुआत बेहद ही छोटे स्तर पर की थी। उनके सुर्खियों में आने के बाद ही उनकी जीवन से जुड़ी कई सारी बातों का खुलासा धीरे धीरे करके होने लगा है। आपको बता दें, संदीप की पढ़ाई मुंबई में हुई थी। कहा जाता है कि फिल्म दुनिया में संदीप ने एक स्पॉट बॉय के तौर पर कदम रखा था। इसके बाद वो पत्रकार के तौर पर एक मैगजीन से भी जुड़े थे। साल 2011 में वो भंसाली प्रोडक्शन के सीईओ के रूप में काम कर रहे थे। संदीप सिंह के कई बड़े प्रोड्यूसर से अच्छी जान पहचान है। कई फिल्मों में फाइनेंस कराने में भी वो मददगार साबित हुए हैं। संदीप सिंह कुछ फिल्मों के प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं, जिसमें मनोज वाजपेयी और राजकुमार राव की अलीगढ़, सरबजीत और साल 2019 में बायोपिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना चुके हैं, जिसके बाद विवेक ओब्रॉय जिसमें लीड रोल में थे। वहीं संदीप सिंह कथित तौर पर अपने आप को सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त भी बता चुके हैं। प्राध्यापक का पद छोड़ मत्स्य पालन करने वाले पूर्वी चंपारण के रहने वाले यतिंदर कश्यप को मिली कामयाबी। पूर्वी चंपारण के बररिया चंबल मछली पालन के क्षेत्र में कई कीर्तिमान हासिल कर चुका है, जिसका श्रेय संग्रामपुर गांव के प्रगतिशील किसान मदन मोहन सिंह के पुत्र यतिंद्र कश्यप को जाता है। इतिहास विषय में एमए यतिंद्र कश्यप एक महाविद्यालय के प्रोफेसर थे, लेकिन इनका झुकाव हमेशा से खेती की तरफ था। उन्होंने कुछ ही समय बाद शिक्षण संस्थान को अलविदा कह दिया था। बिहार राज्य बीज निगम ने इसके लिए 50 एकड़ जमीन में मक्का, गेहूं और आलू की खेती उन्होंने करनी शुरू की थी, लेकिन लागत ज्यादा और आय कम होने के चलते उन्होंने इसकी तरफ से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया था और कुछ नया करने की ठानी। फिर साल 2013 में पुश्तैनी करीब 3 एकड़ वाले तालाब में मत्स्य पालन की शुरुआत की। उनके मार्गदर्शन में 2019-20 में इस हेचरी ने विभिन्न किस्मों की लगभग 50 करोड़ मछली के छोटे छोटे बच्चों की पैदावार भी की है। बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज में करवाई जाएगी RT-PCR जांच। बिहार में बेकाबू बढ़ चुके COVID-19 के माहौल को देखते हुए सरकार अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही है। इसी क्रम में अब बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के आदेश जारी करते हुए सभी मेडिकल कॉलेज में RT-PCR से जांच करवाने का आदेश जारी कर दिया है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग निरंतर कार्रवाई भी कर रही है। हालांकि विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि RT-PCR जांच बढ़ाने की कवायद चल रही है। 2 सप्ताह में सभी मेडिकल कॉलेज में यह जांच शुरू करवा दी जाएगी। निजी मेडिकल कॉलेज में भी RT-PCR जांच शुरू किए जाने की तैयारी हो रही है। इसके लिए उन कॉलेज में विभाग संपर्क में है। वहीं बिहार के भागलपुर में और मधेपुरा मेडिकल कॉलेज के बाद अब बेतिया मेडिकल कॉलेज में भी 1-2 दिनों में RT-PCR जांच शुरू हो जाएगी। IPL में हर भूमिका निभाने को तैयार है रहाणे। भारतीय टीम के बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग में हर प्रकार की भूमिका निभाने का ऐलान किया है। इस साल दिल्ली कैपिटल्स की टीम में शामिल रहाणे के लिए शीर्ष क्रम में जगह बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि टीम में शिखर धवन और पृथ्वी शॉ जैसे बल्लेबाज की वापसी हो चुकी है, जिसके बाद श्रेयस अय्यर, शिमरॉन हेटमेयर और
बल्लेबाजी के लिए उतर सकते हैं, जिसके बाद ऐसे में रहाणे ने यह कहा है कि उन्होंने किस प्रकार की भूमिका निभानी होगी। हाँ, अभ्यास सत्र के बाद ही पता चलने वाला है, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि मैंने अपने पूरे करियर के दौरान पारी की शुरुआत की है और इसका आनंद भी उठाया है। इसके बाद यह पूरी तरह से टीम प्रबंधन पर निर्भर करेगा कि वो टीम में मुझे क्या भूमिका देना चाहते हैं। मैं हर भूमिका में अपना 100% देने के लिए तैयार हूँ। देश में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या में हुई बढ़ोतरी। भारत में कोविड 19 संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में हालात सबसे ज्यादा खराब है। देश में बीते 24 घंटे में कोविड 19 के मामलों की बात करें तो कुल मिलाकर 77,266 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या भारत में 33,87,000 के पार पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,057 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद भारत में जान गंवाने वालों की संख्या 61,569 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही भारत अभी दुनिया में कोविड 19 से जान गंवाने वालों के मामले में चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। प्रभावित राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु की हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। तमिलनाडु में अब तक कुल मिलाकर 4,00,000 से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई की तरफ से की जा रही जांच कितनी संतोषजनक है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।